नमस्कार, मेरा नाम है विनोद साह और आप देख रहे हैं वी फॉर विनोवेटिव। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे भूपेश बघेल को उनके जुझारू व्यक्तित्व, तेज तर्रार छवि और संघर्ष के लिए जाना जाता है। 5 साल पहले झीरम हत्याकांड में तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंदकुमार पटेल की मौत के 5 महीने बाद उन्हें संगठन की कमान सौंपी गई थी। अक्टूबर 2013 में कमान संभालने के बाद उन्होंने पार्टी को फिर से मजबूत करने के लिए कड़ा संघर्ष किया। इसी का नतीजा है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा का सूपड़ा साफ करने के बाद कांग्रेस ने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। मुख्यमंत्री की इस कुर्सी तक पहुंचने के लिए बघेल ने पिछले 5 सालों में करीब 3.25 लाख किलोमीटर की यात्रा की। संगठन को मजबूत करने के लिए उन्होंने कई गाँव में रातें भी बिताई, इसलिए उन्हें यात्राओं से बना नेता भी कहा जाता है। शादियों पर होने वाले बड़े खर्चे के खिलाफ रहे बघेल ने सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन भी किया ताकि कम खर्च में शादी को प्रोत्साहन दिया जा सके। इसी के चलते प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं के वे खासे लोकप्रिय हैं। सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाना हो या फिर जनहित के मुद्दों पर तत्काल प्रतिक्रिया देना हो, बघेल हमेशा से सक्रिय रहे हैं। 23 अगस्त 1961 को एक किसान परिवार में जन्मे भूपेश बघेल का करीब 4.5 दशक लंबा सियासी करियर रहा है। इस दौरान उनके नाम कई बड़ी उपलब्धियां रहीं। 32 साल की उम्र में पहली बार वे पाटन से विधायक बने थे। इसके बाद 1998 में दिग्विजय सरकार में अविभाजित मध्य प्रदेश में मंत्री बने। इस समय उनकी उम्र सिर्फ 37 साल थी। अब 57 साल में वे राज्य की राजनीति के शीर्ष पर पहुंच गए हैं। 1.5 साल पहले रमन सरकार के मंत्री से जुड़े एक सीडी कांड में उन्हें जेल की सजा भी काटनी पड़ी थी। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, कद्दावर नेता माने जाते हैं और उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने 15 साल बाद राज्य में सत्ता में वापसी की है। 90 सीटों वाले सूबे में 68 सीट हासिल करके कांग्रेस ने प्रचंड जीत हासिल की है। 1961 में किसान परिवार में पैदा हुए भूपेश बघेल ने 1986 में भारतीय युवा कांग्रेस में शामिल होकर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। वे दुर्ग के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने। बघेल ने कांग्रेस की कमान ऐसे समय में संभाली जब पार्टी कई मोर्चों पर संकट से गुजर रही थी। 1993 में वे पाटन से मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए विधायक चुने गए। उन्होंने अगले चुनाव में भी अपनी सीट बरकरार रखी। दिसंबर 1998 में दिग्विजय सिंह के कैबिनेट में बघेल को राज्य मंत्री नियुक्त किया गया और दिसंबर 1999 में परिवहन मंत्री के रूप में पदोन्नत किया गया। उन्हें जनवरी 2000 में एमपी राज्य सड़क परिवहन निगम का अध्यक्ष भी चुना गया था। हम आपको बता दें कि 2000 में छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद बघेल 2003 के चुनाव में अपनी सीट बरकरार रखने में भी कामयाब रहे। उन्होंने 2003 से 2008 तक छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष के उपनेता के रूप में कार्य किया। बघेल 2003 तक छत्तीसगढ़ के राजस्व, राहत कार्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं पुनर्वास के प्रथम मंत्री रहे। 2008 के चुनाव में वे पाटन विधानसभा सीट से हार गए। 2004 में दुर्ग लोकसभा सीट और 2009 में रायपुर सीट से वो लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के उम्मीदवार थे, लेकिन दोनों बार वो हार गए। 2013 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी पारंपरिक पाटन विधानसभा सीट फिर से प्राप्त कर ली। अंतागढ़ उप विधानसभा चुनाव ऑडियो टेप विवाद के बाद उन्होंने राज्य कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी और उनके बेटे अमित जोगी को किनारे करने में कामयाबी हासिल की। अक्टूबर 2017 में एक कथित सेक्स टेप वायरल हुआ। सीडी कांड में भूपेश बघेल के खिलाफ रायपुर में प्राथमिकी दर्ज हुई और इस मामले में भूपेश बघेल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उनको जेल भेजा गया। बघेल ने रमन सिंह सरकार के खिलाफ हवा बनाने का काम किया। उन्होंने सरकार के कई फैसलों के खिलाफ पदयात्रा भी की। मजबूत बीजेपी सरकार के खिलाफ वो डटकर खड़े रहे। उन पर बीजेपी ने व्यक्तिगत हमले भी किए, लेकिन वो कभी रुके नहीं, कभी थके नहीं।
बघेल कुर्मी जाति से आते हैं जो कि राज्य की ओबीसी आबादी में लगभग 36% है। 2019 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये उनके पक्ष में गया। 1993 से वो छत्तीसगढ़ मानव कुर्मी क्षत्रिय समाज के संरक्षक हैं। वह समाज में सामाजिक सुधारों की वकालत करते हैं। भव्य विवाह कार्यों से बचने और न्यूनतम व्यय के साथ विवाह को बढ़ावा देने के लिए वह सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन भी कराते हैं। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। अगर अभी तक आपने वी फॉर इनोवेटिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।